नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीएचडी प्रोग्राम एडमिशन 2023-24 सेशन के बारे में। तो यदि आपने अब तक पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर सकें। तो आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश से आए हुए एक स्टेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि फॉर्म जो है वह 16 मई को वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा। तो यह उपलब्ध हो चुका है, आप जा कर के ccsuniversity.ac.in से जा कर के जो है आप ऑनलाइन करने की शुरुआत कर सकते हैं। अंतिम तिथि की बात करें तो आप 5 जून 2024 जो है इसकी अंतिम तिथि है, यानी अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है, आप आराम से कर सकते हैं। आवेदन शुल्क सामान्य लोगों के लिए या फिर ओबीसी के लिए 2500 रुपये है और आवेदन शुल्क SC ST और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 1500 रुपये हैं। उसके अलावा इसमें फॉर्म कौन भर सकते हैं वो आप देख लीजिए। निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थी ही अब मुक्त श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। अब मुक्त का मतलब जिनको एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपके पास UGC, CSIR या ICAR या फिर नेट है या फिर JRF है, ये इन दोनों में से कोई भी है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से यदि आपने प्रवेश परीक्षा पास किया है और फिर वहाँ से आपने MPhil किया है तब भी आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में माने जाएंगे, या फिर आपने गेट परीक्षा दिया है और 95% लाया है उसमें तब भी आप यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम सब्जेक्ट टू द कंडीशंस, ये सब दिया हुआ है 2016 के रेगुलेशंस के तहत। वो यहाँ पे नीचे में बताया है कि आपके मास्टर डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। यदि आप SC ST और OBC हैं देन आपके मास्टर डिग्री में मिनिमम 50% होना चाहिए, 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है। MPhil किया है तो MPhil में भी आपके 55% नंबर होने चाहिए, सेम क्राइटेरिया सबके लिए लागू होगा। उसके अलावा चयन की जो प्रक्रिया होगी उसको आप देख लीजिए। यहाँ पर RAC के समक्ष आपको इंटरव्यू देना होगा, इंटरव्यू जो है टोटल 30 नंबर का होगा, ठीक है, और उसी के आधार पर फिर मेरिट तैयार किया जाएगा। JRF हेतु जो अभ्यर्थी हैं उनको अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के ऊपर प्राथमिकता दी जाएगी, यानी आपके पास यदि JRF है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी एडमिशन के लिए, इसीलिए आपको ज़रूर फॉर्म भरना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जिनका JRF का समय सीमा खत्म हो गया, यानी 3 साल खत्म हो गया आपका JRF पास किए हुए, तब फिर आपको नेट ही माना जाएगा, ठीक है, फिर आपको नेट के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। किसी अन्य प्रकार के फेलोशिप जैसे NFSC, NFOBC, इंस्पायर के आधार पर अभ्यर्थी PhD में प्रवेश हेतु अर्हन नहीं होगा, तथापि ऐसे अभ्यर्थी जो उक्त फेलोशिप के साथ नेट भी उत्तीर्ण है प्रवेश हेतु अर्ह होंगे, यानी कि अब मतलब एलिजिबल होंगे, इतना शुद्ध हिंदी पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी आपके पास NFSC है, NFOBC है तो वो काउंट नहीं होगा, लेकिन हाँ आप नेट उसमें, चूंकि नेट होगा तभी NFOBC होगा, तो नेट आपका काउंट होगा, उसके आधार पे आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी आपका जो है MA का नंबर, 10+2 का नंबर, स्नातक का नंबर, ये सब नंबर जुटेगा, इसके आधार पर मेरिट बनेगा। सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं तो देख लीजिए, सब्जेक्ट यहाँ पे है और यहाँ पे कैंपस में और कॉलेज में, यानी कि कैंपस में जो सीट है और कॉलेज जो अफिलेटेड कॉलेज है उसमें जो सीट है उन दोनों की संख्या यहाँ पे दी हुई है। तो यदि एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री की बात करें तो देख सकते हैं आप यहाँ पे टोटल 12 सीट है जो कि कॉलेज में है। इकोनॉमिक्स में टोटल 8 सीटें हैं कॉलेज में है। एक्सटेंशन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में टोटल 17 सीटें कॉलेज में है। एग्रोनॉमी में 33 सीटें हैं कॉलेज में है। डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में टोटल 28 सीटें हैं। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में टोटल 6 सीटें कैंपस में है और 24 सीटें कॉलेज में है। कॉमर्स की हॉर्टिकल्चर में बात करें तो 7 कैंपस में है और 12 कॉलेज में है। कॉमर्स की बात करें तो 19 सीटें जो है कैंपस में खाली हैं और 40 सीटें अफिलेटेड कॉलेजेस में खाली हैं। लॉ में बात करें तो लॉ में टोटल जो है 69 सीट्स खाली हैं, यानी 4 कैंपस में, 65 कॉलेज में। फिजिकल एजुकेशन में टोटल 100 सीट्स है। उसके अलावा एडुकेशन की बात करें तो एडुकेशन में 115 सीटें खाली। इतनी ज़्यादा मात्रा में सीटें जल्दी आती नहीं पीएचडी एडमिशन के लिए किसी अन्य यूनिवर्सिटी में। ड्राइंग एंड पेंटिंग की बात करें तो इसमें टोटल 26 सीटें हैं। डिफेंस स्टडीज़ में टोटल 10 है। इंग्लिश की बात करें तो इसमें टोटल
91 सीटें हैं, यानी कैंपस में दो है लेकिन कॉलेज में 89 सीट्स हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 5 यहाँ और 100 यहाँ, यानी 105 सीटें खाली हैं। ज्योग्राफी में टोटल 13 हैं, हिंदी की बात करें तो टोटल 60 सीट्स हैं। हिस्ट्री में बात करें तो यहाँ पर हिस्ट्री में भी टोटल 60 सीटें खाली हैं, यानी 5 सीटें जो हैं कैंपस में मेरठ में खाली हैं और 55 सीटें जो हैं इससे अफिलिएटेड जो कॉलेज हैं अलग अलग हिस्सों में वहाँ पर खाली हैं। होम साइंस में टोटल 26 सीटें खाली हैं। साइकोलॉजी की बात करें तो 48 कॉलेज में है और 9 सीटें जो हैं वह यूनिवर्सिटी कैंपस में खाली हैं। पॉलिटिकल साइंस में टोटल 21 सीट्स हैं कैंपस में और 90 सीट्स, यानी आप मान कर चलो कि 111 सीटें हैं टोटल। सोशियोलॉजी में 7 सीटें कैंपस में हैं और 50 सीटें जो हैं आउट ऑफ कैंपस है। संस्कृत में 4 कैंपस में, 48 कॉलेज में। फिलोसफी में टोटल 6 सीटें हैं कॉलेज में खाली है। उर्दू में टोटल 4 सीटें हैं कैंपस में। म्यूजिक की बात करें तो 10 सीटें हैं कॉलेज में। बोटनी की बात करें तो 6 और 102 यहाँ पर। उसके अलावा केमिस्ट्री में आप देख सकते हो 13 सीटें कैंपस में और 314 सीटें ये कॉलेज में खाली हैं। उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी में, अब यहाँ से साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, मैथ को पहले देख लीजिए। मैथ में 4 सीटें यहाँ हैं खाली, कैंपस में 116 जो हैं आउट ऑफ कैंपस है। माइक्रोबायोलॉजी में टोटल 16 सीटें जो हैं वह कैंपस में खाली हैं, 8 सीटें बाहर में। फिजिक्स में टोटल 12 यहाँ पर है और 223 सीटें जो हैं आउट ऑफ द कैंपस है। स्टैटिस्टिक्स में 13 सीटें कैंपस में हैं और 55 सीटें आउट ऑफ द कैंपस है। जूलॉजी में 8 और 161 सीटें, यानी 161 जो है आउट ऑफ द कैंपस है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की बात करें तो 1 सीटें खाली हैं कैंपस में, बस टोटल 1 ही सीटें हैं। टॉक्सिकोलॉजी में यहाँ पे 3 सीटें हैं। एग्रीकल्चर में प्लांट पैथोलॉजी में टोटल 20 सीट्स हैं जो कि आउट ऑफ द कैंपस हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो 48 सीट्स हैं, ये कैंपस में ही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में टोटल 4 सीटें हैं जो कैंपस में हैं। मैकेनिकल में 4 सीटें हैं जो कैंपस में हैं। यानी कि यहाँ पर टोटल सीटों की संख्या आप देख सकते हो 2069 और 240, आप मान करके चलिए 2309, 2300 यानी 2309 सीटें खाली हैं। तो इतनी मात्रा में सीटें तो कहीं भी नहीं आती, आज तक तो हमने नहीं देखा किसी भी यूनिवर्सिटी से इतनी मात्रा में सीटें आए। तो देखिए, यदि आपका सब्जेक्ट इसमें शामिल है देन आपको फॉर्म डेफिनेटली सबमिट करना चाहिए। अभी पीएचडी एडमिशन कहीं मिल जाए ये बहुत बड़ी बात है, आप पीएचडी में एडमिशन ले लीजिए और अपनी JRF को कंटिन्यू रखिए, या फिर आपको पीएचडी करने का सपना है तो उसको आप कंटिन्यू रखें। देखिए, जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यू में RAC के सामने, जो रिसर्च एडवाइजरी कमेटी है, उसके सामने आपको एक रिसर्च प्रपोजल, जिसे कई लोग सिनॉप्सिस भी कहते हैं, उसको ले करके जाना होता है। तो यदि आपको रिसर्च प्रपोजल बनाने में या फिर सिनॉप्सिस बनाने में किसी तरीके की दिक्कत हो रही है तो आप हमारी मदद ले सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं या फिर कुसुम नेट क्लासेस का जो टेलीग्राम ग्रुप चैनल है आप वहां पे ज्वाइन करके हमसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लगता है कि नहीं, आप पेड सर्विस लेना चाहते हैं, आपको सिनॉप्सिस अपना लिखवाना है या फिर आपको रिसर्च प्रपोजल अपना लिखवाना है, देन आप हमसे लिखवा भी सकते हैं, उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। अलग अलग विषय का, साइंस सब्जेक्ट को छोड़कर सोशल साइंस में हिस्ट्री है, पोल साइंस है, ज्योग्राफी है, इन तमाम सारे सब्जेक्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों इस वीडियो को देखने के लिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि सीट्स की संख्या बहुत है तो आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है, उनको भी एडमिशन लेने दीजिए। थैंक यू सो मच।